दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ बेल से रिलेटेड डिस्कशन करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हो जाता है तो फिर कोई भी व्यक्ति घबराएगा, यह निश्चित है, और फिर कई बार उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। फिर गिरफ्तार होने के बाद उसके घर वाले भी घबरा जाते हैं। अगर कोई अच्छा वकील उन्हें मिल जाता है तो फिर हो सकता है कि उन्हें आसानी से बेल दिला दे। कोई भी अगर अपराध घटित होता है या फिर कोई भी शिकायत पुलिस को मिलती है तो फिर पुलिस FIR दर्ज करती ही है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ऑफेंस यानी अपराध दो तरह के होते हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब कि जो बड़े तरह के अपराध हैं, जो सीरियस नेचर के अपराध हैं, जैसे कि हत्या, लूट, अपहरण। तो अगर ऐसा कोई शिकायत पुलिस को मिलता है तो फिर पुलिस बिना कोर्ट के परमिशन के FIR दर्ज कर लेती है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा अपराध होता है, कोई छोटा मोटा शिकायत मिलता है, जैसे किसी ने किसी को चाटा मार दिया, किसी के ऊपर पानी फेंक दिया, तो फिर पुलिस ऐसे मामले में FIR दर्ज नहीं करती है जब तक का कोर्ट परमिशन नहीं दे दे। तो अगर किसी बड़े मामले में FIR दर्ज हो जाता है तो फिर गिरफ्तारी होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, FIR तो कोई भी दर्ज करा सकता है, लेकिन FIR में कितना सच्चाई है, कितना दम है, यह देखना जरूरी है। FIR दर्ज कराने के साथ साथ उस घटना का कोई आई विटनेस है या नहीं, यह भी देखना जरूरी होता है। और फिर जिस भी व्यक्ति को FIR में दोषी बनाया गया है उसका उस घटना से संबंध है या नहीं। जैसे कि मान लेते हैं FIR में यह लिखाया गया कि 3 बजे उस दोषी व्यक्ति को जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है उसने उसे पीटा, किसी को पीट दिया, थप्पड़ मारा या कोई भी क्राइम किया, तो फिर FIR में यह देखा जाएगा कि जिस समय में FIR, जो घटनास्थल का समय FIR में दर्ज कराया गया है, उस समय में वह व्यक्ति वहाँ था, घटनास्थल पर था या फिर कहीं और था। तो इन सभी बातों को FIR में देखा जाता है और फिर यही सब बात बेल का ग्राउंड बनता है। सबसे बड़ी बात यहाँ तो यह है कि अगर कोई खाने कमाने वाला व्यक्ति है, कोई साधारण परिवार का है, और अगर उसके ऊपर कोई FIR, गलत FIR ही दर्ज हो जाता है तो फिर उसका पूरा परिवार परेशान होता है, उसका लाइफ चौपट हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेज में फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जब लगता है कि अंतिम रास्ता, अंतिम विकल्प केवल गिरफ्तारी ही है, तभी ही किसी को गिरफ्तार किया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लेते हैं एक्स के खिलाफ FIR दर्ज होता है कि उसने 3 बजे वाई को पीटा, लेकिन FIR दर्ज हो गया, लेकिन जब ट्रायल चला, जब कोर्ट में ट्रायल चला, तो पता चला कि जो FIR में यह दर्ज कराया गया है कि एक्स ने 3 बजे वाई को पीटा, लेकिन 3 बजे तो एक्स अपने कोचिंग क्लास में पढ़ा रहा था, वह टीचर है, तो फिर यहाँ पर आसानी से एक्स को बेल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ FIR में कोई भी सच्चाई ही नहीं है। इसीलिए FIR में क्या कंटेंट है, FIR में कितना दम है, यह बात बेल का ग्राउंड बनता है। या फिर कई केसेज में यह देखा जाता है कि पुलिस FIR तो दर्ज कर लेती है और जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है उसे भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वह लापरवाही करती है, वह समय पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, तो फिर बड़े ही आसानी से उस व्यक्ति को बेल मिल जाता है। या फिर अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गया है और अगर आपको लगता है कि आपकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, तो फिर आप एंटिसिपेटरी बेल CRPC के सेक्शन 438 में ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बेगुनाह हैं और अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गया है या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य भी जेल में है और आप बेल कराने में हमारी मदद लेना चाहते हैं, तो फिर अभी जो स्क्रीन पर ईमेल ID दिख रहा है आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं। फिर हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको बेल कराने में मदद करेगी और आपको पूरी तरह से गाइड करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।